कोणों के प्रकार को तो समझ गए हैं, अधिक कोण, न्यून कोण और सम कोण, तीन तरह के कोण होते थे। अब त्रिभुज की बात हो रही है तो त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहले त्रिभुज में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। इसके 6 पार्ट होते हैं टोटल, कितने हिस्से होते हैं, 6 हिस्से। तीन भुजा होता है, जैसे ए बी और सी लिए हुए हैं तो इसमें क्या है, ए बी, बी सी और ए सी, तीन भुजा और तीन क्या है, कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो इन तीन भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को बांटा गया है और दूसरा कोण के आधार पर भी त्रिभुज को बांटा गया है। भुजा के आधार पर कहा गया है कि तीन तरह का त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज जिसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केलस ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज आइसोस्केलन ट्रायंगल्स। और कोण के माप के आधार पर, कोणों की माप जब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है यानी 90 से कम होने पर उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो उसके आधार पर त्रिभुज बोला गया है कि न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसको राइट कोण कहते थे ना, समकोण एंगल्स। तो समकोण कोण में, त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज के अंदर कोई कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल। और अधिक कोण, तीसरा क्या चीज़, जिस त्रिभुज के कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो। तो क्या सभी कोण की माप होगी, नहीं, एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि त्रिभुज के प्रकार में सबसे पहला भुजा के आधार पर कहा गया है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के लिए जैसे ए बी सी लेंगे तो वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो आपस में। ए बी सी एक त्रिभुज है, इन त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज के लिए क्या कहा गया कि समबाहु, समान बाह वाले, भुजा वाले, नहीं जिसकी भुजा समान हो, कौन सी भुजा, तो तीनों भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए, ए बी के बराबर बी सी और बी सी के बराबर ए सी, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी जब हो जाएगा तो हम उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इनकी तीनों भुजा बराबर होती है। अच्छा, तीनों भुजा यदि बराबर होगी तो एक और बात होता है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर के आपस में तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री, सभी कोण 60 60 60 का होगा, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना हो जाता है, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180। तो यहाँ पर तीनों कोण का माप भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा, समद्विबाहु, जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं या आइसोस्केलस ट्रायंगल्स। तो ये पहले वाले आकृति का फिगर था। दूसरा, समद्विबाहु के लिए यदि हम बनाएंगे तो इसकी दो भुजा आपस में बराबर, तो देखो दो भुजा आपस में, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए बी सी में ए बी और ए सी क्या है, बराबर है, और बी सी इसके क्या है, अलग है। इसमें ए बी बराबर ए सी हो जाता है, जिनकी दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो और तीसरी भुजा उससे अलग हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केलस ट्रायंगल्स। इसमें एक और बात होती है कि समद्विबाहु त्रिभुज के सामने बराबर भुजाओं के सम्मुख बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर भुजा ए बी है, ए बी के सामने कौन सा कोण आता है, सी, और ए सी के सामने कौन आता है, तो बी और सी कोण जो है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कितना डिग्री का होगा ये हम यहाँ फिक्स नहीं कर सकते हैं, ये आधारित होगा किस पर, कोण ए पर। किस पर आधारित होंगे, कोण ए पर। यहाँ पर कोण बी और कोण सी आपस में बराबर होंगे। यदि कोण ए का मान हम 40 डिग्री ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कोण ए का मान 40 डिग्री ले लेंगे, तो कोण ए कितना प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, 180 डिग्री। यदि कोण ए बराबर कितना डिग्री, 40 डिग्री लिया है, तो बी और सी दोनों बराबर होंगे, तो बी और सी का मान कितना होगा, तो ए का मान हम क्या रखेंगे यहाँ पर, 40। बी और सी का नहीं पता है लेकिन दोनों मान लेते हैं एक्स एक्स, दोनों तो बराबर है ना, है जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, तो कोण बी के जगह क्या रखेंगे, एक्स, और कोण सी के जगह एक्स करेंगे, बराबर कितना, 180 डिग्री। देखिए एक्स प्लस एक्स कितना, 2x, और 40 को उधर ले जाइए तो 180 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 140।
यदि हमें x का मान निकालने के लिए बोले तो दो भी ले जाएंगे, तो 140 बटा दो बराबर कितना आया 70। तो कोण बी एक्स का मान क्या, x किसका मान था, b का और c का, यानी कोण b बराबर कोण c बराबर कितना लिए थे x, x का मान कितना आया है 70। यदि समद्विबाहु त्रिभुज में यदि एक कोण का माप दिया रहे तो बाकी कोण का माप हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज में भले ही त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी भी हो, मान लो ये 4-4 सेंटीमीटर का हो या 100 सेंटीमीटर का हो, बड़ा सा एक समबाहु त्रिभुज ले लो, फिर भी उसके तीनों कोणों का मान क्या होगा 60 डिग्री ही होगा। किस में, समबाहु त्रिभुज में। और समद्विबाहु में क्या होते हैं कि जो दो भुजा बराबर होते हैं उन दोनों भुजा के सामने का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मान डिपेंड करेगा किसी एक का मान पता रहेगा तब, ये हम पहले से नहीं बतला सकते हैं। और तीसरा नंबर कंडीशन हम किसके लिए बोले हैं, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु मतलब एक भी भुजा समान नहीं, विषम, सबका भुजा विषम हो, एक जैसा नहीं हो, समान नहीं हो। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में एक दूसरे से अलग अलग हो, कोई एक दूसरे से बराबर नहीं हो, यानी ए बी बराबर नहीं, बी सी बराबर नहीं, ए सी, यहाँ ए बी सी में कोई भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, विषमबाहु त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर तीनों त्रिभुज समझ गए किसको कहते हैं। अब हम लोग आते हैं कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर सबसे पहला हमने क्या बोला है, समकोण त्रिभुज। समकोण किसको बोलेंगे, समकोण जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो। और त्रिभुज में क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का माप 90 डिग्री दे दे, इसमें कोण ए कोण बी कोण सी को बी सी, तो यहाँ इसको हम क्या समझते हैं 90 लंबवत है ना, तो इसमें क्या है कि कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री है। तो यदि किसी एक कोण का माप 90 डिग्री हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में यदि कोण बी 90 है तो बाकी के दो कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, क्या होंगे, कोण ए और कोण सी। कोण सी क्या हो जाएंगे, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब समझे, क्या 90 डिग्री से कम, यानी ए और सी का मान हमेशा 90 से क्या रहेगा, कम रहेगा। यदि ए और बी सी का मान 90 से अधिक दे देता है तो ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक को 90 पूरा हो गया है और दूसरा भी 90 से बड़ा ले लोगे तो 90 90 180, तो तीसरा कोण कहाँ गया, क्योंकि तीनों का मान कितना होना चाहिए, तो एक 90 हो गया तो बाकी दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए ना, तब ना 180 पूरा होगा। यानी कि एक और बात होता है कि समकोण त्रिभुज में समकोण कोण को छोड़ दें तो न्यून कोण कोण का योगफल, यानी जोड़ने पर, न्यून कोण कौन है, कोण ए है और कोण सी है, इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, पहला हो गया समकोण त्रिभुज का बात। दूसरा कह रहा है न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब वह त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो। इसमें क्या होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटा होते हैं। सभी कोण 90 डिग्री से छोटा, भुजा भले ही कोई भी हो, ए बी सी, सब कोण, कोण ए कोण बी कोण ए भी 90 से छोटा होगा, कोण बी भी 90 से छोटा होगा और कोण सी भी 90 डिग्री से छोटा होगा। अच्छा, यहाँ हम पढ़े थे क्या चीज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं, 60-60 डिग्री का ना, तो सभी कोण 90 से छोटा है कि नहीं है, तो क्या समबाहु त्रिभुज को सब न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं, समबाहु त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, कह सकते हैं, क्योंकि उसका सभी कोण क्या होता है 90 डिग्री से कम होता है। और तीसरा हम क्या बोले इसमें, अधिक कोण। तो किसी त्रिभुज का यदि कोई एक कोण अधिक कोण हो जाए, अधिक कोण होने का मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। ये देखो यहाँ पर ए बी सी, इसमें बी का मान देख रहे हैं 90 से बड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा, तिरछा बन रहा, तो यहाँ कोण बी क्या हो रहा है, कोण बी बड़ा है 90 डिग्री से, और कोण ए और कोण सी का जोड़ने पर, कोण ए प्लस कोण सी दोनों को यदि जोड़ भी देंगे तो ये हमेशा 90 से छोटा ही रहेगा, तो इसको न्यून कोण त्रिभुज कह देते हैं, नहीं,
सॉरी अधिक कोण त्रिभुज कह देते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा। तुम भी बैठ जाओ, कंटिन्यू है, समझ जाओ। अब इन दोनों के अलावा ये 6 प्रकार के त्रिभुज तो हम देख लिए, एक इसी में से त्रिभुज बनाया गया है दोनों को मिला करके, वो त्रिभुज क्या है वो भी हम लोग देखते हैं। इसको थोड़ा सा मिटला देते हैं बीच में से, कोई दिक्कत नहीं ना। समकोण त्रिभुज पढ़े जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, और समद्विबाहु त्रिभुज पढ़े हैं जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। तो यदि ऐसा हम कह दें कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसमें हम दोनों का ले लिए, एक समद्विबाहु ले लिए, एक